गुड मॉर्निंग बच्चों, अब हमारी एक्सरसाइज नेक्स्ट स्टार्ट हो रही है बेटा। 1.2.1 हमने फिनिश कर ली है, अब 2.2 स्टार्ट करते हैं। कोशिश करते हैं ये भी हमारी जल्दी से जल्दी हो जाए। ये बहुत सिंपल है तो इसमें कुछ ज्यादा समय लगने वाला नहीं है बेटे। चलिए शुरू करते हैं 2.2 से। पहला क्वेश्चन है बेटे, इसके अंदर एक रिलेशन डिफाइन करना है, राइट। और रिलेशन उसमें एक रिलेशन जो है ए टू ए बोला गया है, राइट। यानी कि ए से इसी सेट पर लेना है और रिलेशन की कंडीशन ये है बेटा। तो रिलेशन क्या कहता है आपको पता ही है बेटा कि ये एक्स वाई पेयर बनेगा, ऑर्डर पेयर बनना है और उसके लिए कंडीशन ये है, राइट। दिस इज योर कंडीशन, 3x - y शुड बी इक्वल टू 0। और जो एक्स वाई है बेटा वो क्या है, एक्स वाई यहां से लिए जाएंगे, एक्स वाई मस्ट बिलोंग टू, कंडीशन हमारी है एक्स वाई बोथ शुड बिलोंग टू सेट ए। ए से आप इसमें वैल्यू पुट करनी है। अब जो वैल्यू निकलती है यहां पर एक्स और वाई की, वो एक ऑर्डर के फॉर्म में यहां पर रख दी जाएगी और वो सारे ऑर्डर पेयर्स होंगे हमारे रिलेशंस, यानी कि वैल्यू। तो उस ऑर्डर पेयर में फिर हमें कोडोमेन, डोमेन और रेंज ये तीनों निकालनी है। तो बहुत आसान है बेटे, चलिए शुरू करते हैं बच्चों। यहां से लेट्स वन फर्स्ट केस ले लेते हैं यहां पर। वन लेट एक्स इक्वल टू वन से स्टार्ट करना है बेटे, वन पुट कर लेते हैं। तो y क्या मिलने वाला है बेटे, इसमें आप पुट करोगे तो ऑब्वियसली y विल बी इक्वल टू 3x, ये उधर चला जाएगा बेटा। तो मिल जाएगा आपको क्या, 3 × 1 विच इज इक्वल टू 3, ठीक है बच्चे। अब इसी तरह से हम दूसरा भी निकाल सकते हैं यहाँ पर, लेट x इक्वल टू 2 देन y विल बी इक्वल टू 3 × 2 दैट मीन्स 6। थर्ड x इक्वल टू 3 y is equal to 3 × 3 which is equal to 9, right? And next one is likewise, x equal to 4 then y equal to 3 × 4 that is 2n। लेकिन जब आप 5 put, y की वैल्यू 5 put करते हैं तो बेटे 5 आने पर, okay, let's say मैं दिखा देता हूँ, when x equal to 5 तो y is equal to वहां पे लिख देता हूँ बच्चों, y will be 3 × 5 which will be 15। और 15 जो है बेटे हमारे इस ए सेट में एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब हमें ये नहीं लेना है, दैट मींस दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। क्लियर बेटा, राइट। तो ये जो वैल्यूज निकली है बेटे निकल के आई, एक्स वन लेने पर हमारी 3 आ रही है, 2 लेने पर 6, और ये एक्स वाई की वैल्यू हमारी निकल रही है बेटा। ये हमारे ऑर्डर पेयर तैयार हो गए, क्वाइट सिंपल बच्चों। सो लेट्स चेक इट आउट, हम ऑर्डर पेयर निकाल लेते हैं बच्चा। तो हमारा 1 के साथ क्या निकला बेटा, 1 and 3, 2 and 6, 3 and 9 एंड 4 and 2n। सो ये चार हमारे प्रोडक्ट ऑर्डर पेयर निकल करके आ गए बेटा, ठीक है। अब यहां तक भी हमारा सवाल तकरीबन फिनिश हो चुका है। अब हमें निकालना है बेटा डोमेन बच्चों। और डोमेन क्या होता है बेटा, नंबर वन पार्ट वन में भी डोमेन निकालते हैं। डोमेन का मतलब होता है ऑल सेट द ऑफ, तो जो ऑर्डर पेयर है ना बेटा, इसमें से जो फर्स्ट एलिमेंट है वो आपके डोमेन कहलाते हैं, या इसमें इट मीन सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, यू कैन सी सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। तो क्या बनेगा बेटे, फर्स्ट एलिमेंट 1 हो गया, राइट, और ये फर्स्ट 2 हो गया, राइट, और ये 3 हो गया, राइट, और ये 4 हो गया बेटे, दैट्स इट, ये आंसर हो गया बच्चे, बिल्कुल। अब सेकंड पे चलते हैं बेटा, रेंज। रेंज क्या है, अब यहां पर बहुत आसान बच्चों, सेट ऑफ फर्स्ट की जगह अब सेकंड एलिमेंट आ जाएगा बेटा, राइट, सेकंड एलिमेंट। चलो निकाल लेते हैं भाई, सेकंड कौन सा है, 3, राइट, सेकंड वन इज 6, सेकंड इज 9 एंड फॉर सेकेंड, यानी कि नेक्स्ट इज 12। ये निकल गया बेटा आपका रेंज। अब बारी आ गई लास्ट, वो है कोडोमेन। कोडोमेन, कोडोमेन क्या होता है बेटा, अब देखो एक्स वाई की वैल्यू जो आपने फर्स्ट और जो ऑर्डर पेयर निकाले, तो उसमें जो फर्स्ट होगा वो डोमेन होगा, जो सेकंड वैल्यू होगी वो रेंज होगी, बाकी जो सारी एक्स की वैल्यू बच गई हैं जो हमने यहां पे यूज नहीं करी है एज सेट ए से, उस वो भी वो सब मिला करके टोटल जो वैल्यू होती है जो एक्चुअली ए सेट में है जहां से हमने एक्स वाई लिए हैं, वो एक ही सारी वैल्यू जो होगी वो हमारी कोडोमेन कहलाएगी, मींस फ्रॉम 1
2, 3, -14। ये हो गया हमारा आंसर नंबर थर्ड। आई होप बेटा क्लियर हो गया होगा। अब हम और तेजी से करेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर टू में आपको एक रिलेशन दिया हुआ है और उसमें ऑर्डर पेयर है और वो कंडीशन है आपकी y इज इक्वल टू x प्लस 5। जो आपके x होगा वो क्या होगा, एक सेट, और वो सेट क्या है, नेचुरल नंबर। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, राइट। एंड उसके बाद एक और कंडीशन है कि x मस्ट बी लेस देन 4। तो x की वैल्यू क्लियरली बेटा यहां पर समझ में आ रही है हमें। एक्स की वैल्यू नेचुरल नंबर यानी कि 1, 2, 3 लेस देन 4, तो ये बेटा लेस देन, ये कंडीशन बनती है इसमें, राइट। इज इट लेस देन 4, हाँ यही है बेटा। अब हमें ऑर्डर पेयर निकालना है, बहुत ही सिंपल है बेटे। नाउ द कंडीशन इज गिवन, यानी इक्वेशन यू कैन से दैट, तो वाई इज एक्स प्लस 5, राइट। ये है व्हेन एक्स इज इक्वल टू 1, तो वाई आपका निकल जाएगा 1 + 5 विच इज इक्वल टू 6। तो 1 पर ये 6 निकल रहा है बेटा। इसी तरह से आप x की वैल्यू आप 2 लिखेंगे तो y विल बी 1, 2 + 5 विच इज 7। थर्ड विल बी व्हेन x इक्वल टू 3, तो y हो जाएगा बेटा 3 + 5 विच इज इक्वल टू 8। तो अब क्लियरली बेटा हमें एक्स वाई की वैल्यू निकल चुकी है, तो हमारे ऑर्डर पेयर तैयार हो गए बेटा, राइट। सो आप यू कैन राइट हियर ऑर्डर एक्स 1 से क्या बन रहा है बेटा, 1 और 6 बन रहा है बेटा, 1 and 6, 2 and 7 एंड 3 and 8। ये हमारे तीन ऑर्डर पेयर निकल चुके हैं बच्चों, राइट। अब आपसे पूछा गया है सेकेंड पार्ट, वो क्या पूछा गया बेटा, डोमेन। आपको क्या निकालनी है, डोमेन निकालनी है। डोमेन मैंने क्या बताया था, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट का सेट, यानी कि 1, 2, 3 यही होंगे बेटा। तो आंसर विल बी 1, 2 and 3 हो गया बच्चे, राइट। अब आपको निकालना है रेंज। रेंज क्या होगा बेटा, सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट, राइट। सेकेंड एलिमेंट कितने बेटा, 6, 7, 8। आंसर इज 6, 7, 8। बहुत आसान है बच्चों, बहुत सिंपल। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 में दो सेट दिए गए हैं ए और बी। अब जो रिलेशन निकालना है एक्स वाई, पेयर निकालना है बेसिकली बेटा, राइट। अब वो उसके लिए फार्मूला दिया जाना चाहिए था ना, एक इक्वेशन या कंडीशन, तो वो क्या बोली गई, डिफरेंस ऑफ एक्स एंड वाई। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को ऐसे लिखना चाहूं तो कुछ इस तरह से लिख सकता हूं बेटा, एक्स वाई और डिफरेंस ऑफ एक्स एंड वाई, दैट मीन्स डिफरेंस ऑफ एक्स एंड वाई इज ऑड, एक्चुअली वाई इज ऑड। तो इसका मतलब ये हुआ एक्स माइनस वाई इक्वल टू ऑड। ये हमारा रिलेशन, यानी कि एक रिलेशन फॉर्मूला बन गया है। यहां से आप एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे। एक और कंडीशन है कि एक्स जो है ए से ही लेना है, ये आपको कंडीशन का ध्यान देना है बेटा, और वाई जो है वो आपको बी से लेना है। एक्स यहां से लेना है, वाई इससे लेना है, और जो रिलेशन निकलेगा यहां पर वो कैसा निकलेगा, यानी कि ऑर्डर पे जो निकलेगा वो कैसा निकलेगा, इन दोनों को माइनस करना है। माइनस करने पर जो ऑड वैल्यूज आएंगी बस वो आंसर लेने। चलिए अब पहला क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा यहां से। सपोज मैं एक्स ये लेता हूं 1, पहले मैं एक्स 1 लेता हूं, राइट। तो 1 माइनस फिर मैं यहां से लेता हूं 4, तो ये आंसर आ गया 3 विच इज ऑड। तो ये आंसर हमारा करेक्शन हो गया, तो हमारा आंसर 1 लेने पर ये 4 आ गया, ये हमारा सेलेक्ट हो गया बेटा, राइट। इसी तरह से आप दूसरा लेते हैं बच्चे, यहां पर 1 लिया था हमने, अब 1 लिया था 4 के साथ, 1 का रिलेशन 4 के साथ, अब 1 का रिलेशन 6 के साथ करते हैं बेटा। तो 1 - 6 विच इज 4 विच इज आल्सो करेक्ट बेटा, विच इज आल्सो ऑड, तो ये भी चलेगा। थर्ड लेते हैं बच्चों, अब 1 - 9 विच इज 8, लेकिन ये हमारा इवन नंबर है तो ये नहीं चलेगा बेटे, इवन, तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेड हियर। सो चलिए आप इसी तरह से बेटे बहुत सभी वैल्यू, अब 2 के साथ भी ऐसी रिलेशन निकालते हैं, 2 - 4 लेते हैं, 2 - 4 क्या हुआ बेटे, आपका आंसर आ गया -2,
तो वैसे भी ये इवन नंबर है, ये चलने वाला भी है, नेगेटिव पॉजिटिव वो तो चलेगा ही नहीं, राइट। आप इसी तरह से हम सारी वैल्यू निकालते जाएंगे बेटे, 2 माइनस 6 और दिस इज -4, ये भी नहीं चलने वाला, राइट। और इसी तरह से अब हम 2 माइनस 9 निकालते हैं तो ये -7। अब यहां पर बेटे माइनस आ गया है और एक्स वाई हमें इज अ रिलेशन इन फ्रॉम दिस राइट इन, तो यहां पर ये हमारा ऑड नंबर आ रहा है बेटे, दिस इज ऑड। तो यहां पर नेचुरल नंबर तो बोला नहीं गया है, दैट मींस इज अ रिलेशन ऑफ आर फॉर एनी वैल्यूज, सो ये ऑड नंबर है बेटा, ये एक्सेप्टेड होगा। चलिए अब हम चलते हैं कुछ और वैल्यूज निकाल लेते हैं बेटा। हमने 2 की निकाल ली थी, 9 तक हो गया था, 3 की भी ऐसे निकाल लेते हैं। 7 पे चलते हैं, 3 माइनस 4 विच इज इक्वल टू -1, दिस इज ऑल्सो ऑड, ये भी चलेगा बेटा। लाइक वाइज अब हम नेक्स्ट लेते हैं 3 माइनस 6 इज -2, तो ये भी चलेगा बेटे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 3 माइनस 9 विच इज -6, ये हमारा इवन है, ये नहीं चलेगा। 10 इसके बाद 5 माइनस से स्टार्ट करते हैं, 5 माइनस 4 इक्वल टू 1, ये चलेगा बेटा। नाउ 11 और 5 के बाद 5 माइनस 4 एंड 5 माइनस 6 विच इज -1, ये भी चलेगा बेटे। उसके बाद 12th पे आ जाते हैं हम, 5 माइनस 9 विच इज -4, ये ऑड नहीं है, ये नहीं चलेगा, राइट। तो फाइनली क्या हम कौन कौन सी वैल्यूज हमारे निकल करके आ रही है बेटा, यहां हम देख सकते हैं 1 के साथ आपका क्या निकला हमें 1 4, तो हमारे पास जो आर रिलेशन निकल करके आया बेटा वो ये 1 4, उसके बाद 1 4 के बाद 1 1 एंड 6, ये 5 ऑड आ गया, तो 1 एंड 6। फिर इसी तरह से बेटे 1 के साथ ये सब क्रॉस हो गया बेटे, यहाँ पे आते हैं 2 एंड 9 2 एंड 9, ये निकल रहा है बच्चों, राइट। और ये 2 निकल रहे हैं 3 एंड 3 एंड 4, उसके बाद ये 3 एंड 6, उसके बाद ये 5 एंड 4, एंड उसके बाद ये आपका 5 एंड 6। तो ये हमारी फाइनली रिलेशन जो निकल करके आया ऑर्डर्स पेयर्स का ये है। इनमें से अब आपको डोमेन और रेंज बताना है बेटे, तो डोमेन अब आपको क्लियर हो ही चुका होगा। डोमेन कैसे निकलेगा बेटा, फर्स्ट हो जाएगा आपका 1, फर्स्ट 1 है ही बेटा, राइट। अब रिपीट नहीं करेंगे 2, राइट, उसके बाद 3, उसके बाद 5, ये हो गया बेटे। लाइकवाइज बेटे नाउ रेंज क्या होगा, रेंज अगर आप निकालना चाहें तो सेकंड वैल्यू हो जाएगी 4 6 9 एंड 4 6 4 9, रिपीट नहीं करना बेटा, दैट्स इट, ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, इसमें डायग्राम ऑलरेडी दिया हुआ है, डायग्राम में देखिए पी एंड क्यू 2 सेट है और दोनों के एलिमेंट्स आपको दिए गए हैं। अब आपको इसमें सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो पहले चलते हैं बेटे सेट बिल्डर फॉर्म के लिए। राइट, चलिए तो इसके लिए हम कैसे लिखेंगे बेटा, देखो यहां एक्स वाई 2 एलिमेंट हो गए। अब एक्स वाई के लिए कंडीशन है, वह कंडीशन यहां से निकलेगी बेटे। क्या कंडीशन है कि जो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है हमें, गौर से देखें बेटा, लेट्स से दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस है -2 का, इन दोनों में भी 2 का ही डिफरेंस चल रहा है, इनमें भी 2 का ही डिफरेंस चल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ ये जो वाई है ये एक्स में 2 माइनस करने पर निकल रहा है, तो मैं ऐसा लिख सकते हैं, राइट। तो y इज इक्वल टू x-2, राइट, और x p में बिलोंग करेगा और y ये तो आपको पता ही है बेटा, तो आप लिख सकते हैं x belongs to p and y belongs to q। यहां तक हमें ये हो गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म बेटे, क्लियरली इतना मुश्किल नहीं है, राइट। चलिए अब हमें इसको लिखना है रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म, तो रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए बस एलिमेंट्स लिखने बेटा, वो आप यहां से निकालो, ये ऑलरेडी दिए हुए, बहुत सिंपल है। इफ एक्स इज 5 देन वाई विल बी 3, तो सिंपल बेटे, इफ एक्स इज 5 एंड द वाई विल बी 3, इट्स अगेन क्वाइट सिंपल बेटा। तो 6 एंड 4 एंड 7 एंड 5, तो ये हमारा बन गया बेटा
रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स, वो भी हमारे निकल गए बेटा, राइट। अब चाहो अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अच्छा डोमेन और रेंज, हाँ वो तो आपसे पूछा ही नहीं गया, अगर पूछा होता है तो आप बता सकते थे बेटा ये डोमेन है और सेकंड एलिमेंट जो होंगे वो रेंज होते, तो अभी तो फिलहाल इतना ही पूछा था तो हो गया फिनिश बेटा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक सेट दिया हुआ है जिसके एलिमेंट्स हैं और आर के लिए कंडीशन है, क्या कंडीशन है बेटे, ए बी और ए बी क्या है जो पेयर्स हैं, ऑर्डर पेयर्स हैं बेटा, वो क्या है ए में ही बिलोंग करती है, यहीं से लेने आपको, यहां ध्यान देना है बेटा, और जो सेट बनेगा बी का यानी कि बी एलिमेंट यहां पर जो आएगा वो ए से डिविजिबल होना चाहिए, तो आप ऑर्डर पेयर बना सकते हैं बेटे, ठीक है। चलिए अब हम अगर निकालना चाहें तो कैसे निकलेगा बेटे, चलिए सपोज ये नंबर लेते हैं, अब ए एंड बी देखिए बेटा, तो अब ए यहां पे क्या लिखे, बी जो बोला है इसने बी इज डिविजिबल, अगर मैं वन लेता हूं राइट, बी यहां पे वन लेता हूं, बी इज डिविजिबल बाय ए, तो वन किससे डिविजिबल होगा, वन से होगा, बिल्कुल होगा बेटा राइट, तो ये आंसर आ गया, तो फर्स्ट ये बन गया बेटे। अब सेकेंड, अब मैं बी की वैल्यू टू लेता हूं बेटा, ये टू लेता हूं, टू किससे डिवाइड, वन से डिविजिबल है, बिल्कुल है बेटे, ये भी सही है। इसी तरह से बेटे अब थर्ड लेता हूं मैं, बी की वैल्यू थ्री, थ्री वन से डिविजिबल है, वन से डिविजिबल, थ्री इज डिविजिबल बाय वन, ये भी निकल गया। इसी तरह से बेटे वन के सारे पेयर्स निकलेंगे, फोर के साथ भी यही निकलने वाला है, वन टू थ्री फोर, तो वन थ्री फोर ये भी डिविजिबल हो गया, वन फाइव ये भी हो गया, और वन सॉरी वन फाइव तो है नहीं, वन सिक्स ये भी डिविजिबल है। देखो लास्ट बी छह से वन से सारे के सारे हैं, तो अब हम समझ चुके हैं बेटे, यहां तक हमें समझ में आ गई ये बात, तो अगर और पेयर्स अब निकालते हैं हम, जैसे कि एग्जांपल, अब मैं पहले मैंने वन से किया था, मैं टू से देखता हूं, तो ये आप देख सकते हैं बेटा यहां पर, अगर मैं यहां पर दो से डिविजिबल वाले कौन से हो सकते हैं, दो यहां पे देखो ये टू, फोर को डिविजिबल, फोर को टू डिवाइड करता है बेटा, दैट मींस फोर इज डिविजिबल बाय टू राइट, इसी तरह से सिक्स इज आल्सो डिविजिबल बाय टू, ये हो गया राइट, तो ये भी निकल गया बेटे। अब आप थर्ड कैटेगरी निकालेंगे बेटा, थर्ड यानी कि थ्री को लेते हैं, तो थ्री के लिए क्या होगा बेटे, सिक्स थ्री थ्री से ही होगा, अब सॉरी टू टू तो लिखा ही नहीं मैंने, हाँ टू इज आल्सो राइट, तो अब आप थ्री के लिए लेना चाह रहे हैं तो बेटे क्या होगा, थ्री थ्री से डिविजिबल है राइट, और सिक्स भी थ्री से डिविजिबल है, ठीक है बेटा, तो ये हमारे सेट निकल गए, यहां पे सब में दे सकते हैं, बी 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 सब ए से डिविजिबल है, तो वही वाले पेयर्स आपको यहां पे लिखने हैं, तो वही आपका हमारा सेट बिल्डर फॉर रोस्टर फॉर्म बोला गया है। तो पहला क्वेश्चन है बेटे रोस्टर फॉर्म, तो रोस्टर फॉर्म में क्या लिखना है बेटे, कुछ नहीं बेटे, अब आपके एलिमेंट्स तैयार हो गए, और क्या करना है बेटे, तो आप लिख सकते हैं कौन कौन से बने यहां पर, वन 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 फोर लाइक दिस, तो वन वन, उसके बाद वन टू वन थ्री वन फोर एंड वन सिक्स, ये तो हो गए बेटे। उसके बाद टू वाले भी निकाल लेते हैं हम, टू से कौन से हो रहे हैं बेटे, टू से फोर हो रहा है, टू से टू भी हो रहा है, टू से फोर भी होगा और टू से सिक्स भी होगा, थ्री से निकालेंगे, थ्री से थ्री होगा और थ्री से सिक्स होगा, तो ये हमारे पेयर्स निकल गए बेटा राइट। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा गया है रेंज और डोमेन, तो बेटा वो तो बहुत ही आसान है, डोमेन के लिए मैंने बताया बेटा, डोमेन क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट देख सकते हैं बेटा वन 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 चल रहा है बेटा हमारा वन, तो टू टू बिल्कुल सही है, थ्री थ्री बिल्कुल सही है, बस यही तीन बन रहे हैं बेटा राइट। अब थर्ड हो जाएगा रेंज, तो रेंज में क्या आएगा बच्चों, सेकेंड एलिमेंट यानी कि टू, टू ले सकते हैं और थ्री ले सकते हैं और फोर ले सकते हैं और सिक्स भी आ रहा है बेटे, और वन भी तो आ रहा था, वन वन ये रहा, हाँ वन वन, वन टू थ्री एंड फोर और सिक्स, ये सारी वैल्यू यहां पर एग्जिस्ट कर रही है बेटे, देखो वन आ गया, टू आ गया, थ्री आ गया, फोर एंड सिक्स राइट, दिस इज योर आंसर। चलिए बेटे क्वेश्चन नंबर सिक्स बहुत ही सिंपल है बेटे, इसमें ऑलरेडी आपको रिलेशन यहां दिया एक्स और ये वाई है राइट, और एक्स की वैल्यू बस इतनी ही लेनी है, इससे ज्यादा आप नहीं लेंगे, इससे अलग नहीं लेंगे, ये एक्स की रेस्ट्रिक्शन है, वाई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है क्योंकि वाई तो इस पर डिपेंड करता है। चलिए तो रिलेशन निकाल लेते हैं, कुछ नहीं है बेटा यहां पर, अगर एक्स इफ एक्स इज इक्वल टू
जीरो, तो वाई कितना हो जाएगा बेटे, वाई इज इक्वल टू दिस, ये आपका वाई है, तो वाई विल बी एक्स प्लस फाइव, विच मीन्स वाई विल बी जीरो प्लस फाइव, और ये हो जाएगा फाइव, यहां से निकल गया बेटे। तो नंबर टू इसी तरह से बेटे, व्हेन एक्स इज इक्वल टू वन, तो वाई कितना हो जाएगा, बहुत सिंपल है बेटे, उसमें प्लस फाइव कर देना है, यानी कि अगर वाई वन है तो वन प्लस फाइव, यानी वन प्लस फाइव विच इज इक्वल टू सिक्स, राइट। इसी तरह से बेटे आप तीसरी वैल्यू टू निकाल सकते हैं, तो वाई हो जाएगा टू प्लस फाइव विच इज सेवन, एंड फोर्थ एक्स इक्वल टू थ्री, वाई इज इक्वल टू थ्री प्लस फाइव इक्वल टू एट, when y x is equal to 4, then y equal to 4 plus 5 which is 9, and when x is equal to 5, then y equal to 5 plus 5 which is equal to 10. So these are the values, okay, according to this condition we have got here. Now आपको करना क्या है बेटे, सर डोमेन और रेंज निकालना है, तो ऑब्वियसली डोमेन रेंज भी निकल गया, आप पेयर्स ऑर्डर पेयर निकालना चाहें तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जीरो के साथ आपका क्या आ रहा है बेटे, फाइव आ रहा है, तो जीरो के साथ फाइव है, और वन के साथ सिक्स है बेटा, वन टू के साथ सेवन होगा, इसी तरह से थ्री के साथ फाइव एट होगा, उसके बाद फोर के साथ आपका फोर फाइव प्लस नाइन हो गया बेटे, और फाइव के साथ आपका टेन हो गया। तो ये हमारा ऑर्डर पेयर्स यहाँ पे निकल गए सारे बच्चों। तो डोमेन निकालना है, बस बचा ही नहीं कुछ बेटे करने को, है ना, बहुत सिंपल। डोमेन फर्स्ट वाले एलिमेंट है जीरो वन टू थ्री फोर एंड फाइव, हो गया बेटा, राइट। एंड रेंज आपका सेकंड वाला हो जाएगा फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन टेन, हो गया बेटे। तो ये था आपका सिंपल से बेटे, बहुत ही मक्खन हलवा क्वेश्चन है बेटे, राइट। इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है, डोमेन रेंज भी बता सकते हैं हम। अब आर आपको रिलेशन दिया है बेटे, क्लियरली यहां पर एक्स दिया है फर्स्ट, और जो वाई है वाई की जगह आप क्या लिखेंगे, एक्स क्यू, राइट। और एक्स क्या होने वाला है बेटा, एक्स जो होने वाला है, एक्स इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10, तो प्राइम नंबर क्या होता है बेटे, 2 3 5 7 11 नहीं आएगा, क्योंकि लेस देन 10 बोला है, इसको नहीं लेंगे। एक्स की वैल्यू ये हो गई, वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब, वाई एक्स की वैल्यू पुट करो बेटा, आंसर आ जाएगा। तो नंबर वन बेटे, व्हेन एक्स इज इक्वल टू टू, तो वाई कितना होगा बेटे, वाई विल बी टू क्यूब, टू क्यूब कितना होगा बेटा, एट आंसर, राइट। सेकेंड वन, व्हेन एक्स इज इक्वल टू थ्री, तो वाई कितना होगा बेटे, थ्री क्यूब थ्री, थ्री पावर थ्री मीन्स कितना होगा, 27। इसी तरह से बेटा अब थर्ड केस लेते हैं, when x is equal to 4, तो y हो जाएगा 4 cube, that means 64. Last one, when x is equal to, अच्छा 2, 3, 5, 7, sorry बच्चों, 2, 3, 5 लेना पड़ेगा यहाँ पर, 5, prime number बोला है ना, इसलिए बच्चों, तो 1, 2, 5, now you will take x 7, x 7 होगा, तो y is 7 cube, 7 7 समझो 49 47 63 2 4 3, तो ये आंसर आ रहे हैं बेटा 1 लाइक दिस। तो अब इस वैल्यू को आपने किस में लिखना है बेटे, रोस्टर फॉर्म में लिखना है बेटा, बहुत आसान है, लिखना चाहो लिख दो आप। अब एलिमेंट क्या है बेटा, आपने 2 से स्टार्ट किया, 2 के लिए 8 वैल्यू आ रही है, तो 2 के लिए 8 हो गया बेटे, 3 के लिए 27 हो गया है, 4 के लिए 64 हो गया है, 4 तो है ही नहीं सॉरी, 5 5 के लिए 125, एंड 7 7 के लिए आपका हो जाएगा 243। बस हो गया बेटा आंसर, सिर्फ डोमेन रेंज पूछा नहीं है, अगर पूछता है तो भी बेटा आप 2 3 5 7 डोमेन हो जाएगा, रेंज आपका ये हो जाएगा 8 27 125, लेकिन पूछा नहीं है। 8 लेते हैं, इसमें आपको दो सेट दिए हुए हैं, ए एक्स वाई जेड एंड बी आल्सो गिवन। अब इसमें जो फाइंड करना है वो क्या है बच्चों, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अब ये क्या चीज है बेटा, पहले तो फिगर बना करके हम
एक कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकते हैं बेटा। पहले मैं डायग्राम बना लेता हूँ जल्दी से, एक्स वाई एंड जेड एंड वन एंड टू। दरअसल अगर आपको नंबर ऑफ रिलेशन निकालने, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इसका जो फार्मूला है 2^n, n हमने क्या पढ़ा था बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो जो a क्रॉस b के अगर रिलेशन निकालने हैं आपने, राइट, तो इसी का फार्मूला होता है 2^n और n ऑफ व्हाट, a क्रॉस b। ये आपका एक्चुअली रिलेशन बताएगा कितने सारे रिलेशन निकल सकते हैं उसके अंदर। तो चलिए पहले हम a क्रॉस b निकालते हैं, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट जो हमारा निकलेगा ए बी के रिलेशन के साथ। उसके लिए आपको डायग्राम सेट दे दिए हैं, तो जो भी पॉसिबिलिटीज होती हैं पेयर्स के, ऑर्डर पेयर्स में, वो हम सारी निकालते हैं बेटा यहाँ पर जल्दी से। चलिए तो पहला काम हो गया हमारा, फर्स्ट ए क्रॉस बी के लिए तो रिलेशन होने का बेटा एक्स का वन से, एक्स वन, उसके बाद एक्स का टू से, एक्स टू, फिर इसके बाद वाई का रिलेशन वन से, फिर वाई का रिलेशन टू से, एंड उसके बाद जेड का रिलेशन अगेन वन से, फिर जेड का रिलेशन हमारा टू से। तो ये टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6 अगर आप देखें यहां पर तो एन ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू 6। तो हाउ मेनी ऑर्डर पेयर्स आर हेयर नाउ, यू कैन सी देयर आर 6 ऑर्डर पेयर्स, दैट मीन्स अब 6 जो ऑर्डर पेयर्स बने हैं और इसी की पावर, यही सबसेट्स अगर बनाना चाहते हैं, जैसे हम सबसेट बनाते थे पिछले चैप्टर में, ठीक उसी तरह से अगर नंबर ऑफ रिलेशंस आपने ए से बी निकालने तो कितने होंगे, इसका रिलेशन निकालना है तो एक इसका सेट बनेगा, फिर इसका एक इसका, एक इसका, एक इसका, इस तरह से, फिर इन दोनों का बनेगा, फिर इन तीनों का दो के, फिर इन दो का, इन दो, इस तरह से जैसे सबसेट्स बनाए आपने बिल्कुल वैसे ही रिलेशन बनेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर हमें रिलेशन निकालने हैं नंबर ऑफ रिलेशन, ठीक है, नंबर ऑफ रिलेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2^n a क्रॉस b, a क्रॉस b में जितने भी ऑर्डर पेयर्स हैं, राइट, उसी तरह से बेटा, तो 2 की पावर यहां पे 6 हो जाएगी, दिस विल बी योर आंसर, दैट्स सो सिंपल। क्वेश्चन नंबर 9, ये तो सब कुछ इसमें आसान ही है बेटे, इसमें कुछ भी नहीं है, एक रिलेशन दिया है ए बी किस तरह से कि ए माइनस बी इज अ इंटीजर, इज एन इंटीजर, राइट, एंड ए बी बिलोंग्स टू इंटीजर, इसका मतलब क्या हुआ, ए और बी दोनों इंटीजर हैं बेटा, और इंटीजर्स क्या होते हैं बेटे, ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स, और जीरो भी इंक्लूड हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर आप a और b लेते हैं, और कोई भी इंटीजर ले सकते हो, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी, चलिए मैं एग्जांपल देता हूँ, माइनस टू, माइनस वन, डैश डैश, जीरो, वन, टू, थ्री, तो ये सारे इंटीजर्स हैं बेटा, पॉजिटिव नेगेटिव इंक्लूडिंग जीरो। अब इसमें कहा गया कि a माइनस बी इज ऑल्सो एन इंटीजर, अगर आपको सेट बनाना है, मान लो मैं एक बनाना चाहता हूँ रिलेशन में, तो मैं a की वैल्यू 1 लेता हूं, लेट्स से a इज इक्वल टू 1, तो मुझे और b मैंने ले लिया 1, तो मुझे a माइनस b क्या निकलेगा बेटा, 1 माइनस 1 0, राइट। इसी तरह से अगर मैं a 1 की जगह अब मैं 2 ले लेता हूं, सपोज a इज 2 एंड b इज 1, तो मुझे क्या मिलेगा बेटा, a माइनस b, 2 माइनस 1 1, राइट। अब यहां बताइए, थर्ड क्वेश्चन को लेता हूं मैं, अब मैं a की वैल्यू 3 ले लेता हूं और b की वैल्यू कुछ ज्यादा ले लेता हूं, लेट्स से 7, अब मेरे पास a माइनस b क्या निकलने वाला है बेटा, 3 माइनस 7 माइनस 4, तो होगा क्या बेटे, किसी भी दो इंटीजर को आप लेते हैं, माइनस करें या प्लस करें, वो इंटीजर ही मिलेगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो मिलना तो नंबर इंटीजर है, इंटीजर का मतलब नेगेटिव भी पॉजिटिव भी, तो किसी भी दो इंटीजर को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, यू ऑलवेज गेट इंटीजर। सो ए माइनस बी एंड ए लेते हैं तो दूसरा, अगर आपने इंटीजर लिया, ये भी इंटीजर लिया, तो आज उसका आंसर क्या होगा, वो भी एक इंटीजर ही होगा बेटा। तो इसका मतलब ये हुआ ए, इसका मतलब हम इसको थोड़ा ऐसे समझते हैं बेटा, ए माइनस बी विल ऑल्सो बी इंटीजर, बिकॉज क्यों, बिकॉज the difference of any two integers will be an integer,
तो डिफरेंस भी उसका इंटीजर आएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, ये वाला एक इंटीजर निकलने वाला है और ये भी एक इंटीजर निकलने वाला है। तो अब आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर वन कि डोमेन क्या होगा बेटे। डोमेन का मतलब एक्स का एलिमेंट अगर मैं जीरो लेता हूं तो भी मेरा वाई का आंसर कुछ भी निकले, राइट, वो भी एक इंटीजर होगा। जब मैं यहाँ पे थ्री लेता हूं तो माइनस का निकलता है तो वो भी इंटीजर निकलता है। तो मुझे एक्स की वैल्यू लेनी क्या है, तो फाइनली मेरे को ए क्या लेना है, इंटीजर ही तो लेना है। इसमें रेस्ट्रिक्शन तो है नहीं ना बेटा कि आप लेस देन थ्री करें, लेस देन फोर करें, बिटवीन दो नंबर करें, ऐसा भी नहीं बोला गया है। तो इसका मतलब ए जो है सारा, एक्स जो है सारा इंटीजर ही होगा। तो इसका मतलब डोमेन क्या हुआ, फर्स्ट एलिमेंट ए ही होता है ना, ये हमारा फर्स्ट है, ये होगा। और ये क्या है बेटा, ये एक इंटीजर है, ये इंटीजर बोला गया है। तो इसका मतलब डोमेन भी क्या होगा, इंटीजर बेटा, इंटीजर्स होगा, राइट। अब ऑल इंटीजर्स, राइट। अब दूसरा आ गया रेंज। अब रेंज में भी क्या होगा, रेंज में भी तो अगर आप बी की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो भी इंटीजर ही निकल रही है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू रेंज भी ऑल इंटीजर ही होगा। बस इतना सा लिखना था बेटा।